गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार। आज मैं फिर आपके लिए एक नया आसन लेके आई हूँ जिसे हम कहते हैं गार्लैंड पोज और माला आसन। कल हमने किया था उष्ट्र आसन, कैमल पोज, आज हम करेंगे माला आसन। माला आसन करने का सही वक्त जो होता है वह सुबह का होता है और कुछ बातों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको कोई नी इंजरी है, आपके लोअर बैक में पेन है, तो प्लीज़ अवॉइड दिस आसन। इफ़ यू फील पेन इन योर स्टमक एंड इन स्पाइनल रीजन वाइल डूइंग माला आसन, देन स्टॉप डूइंग इट एंड कंसल्ट द डॉक्टर। इसके बेनिफिट्स ये हैं कि इट इंक्रीज द ब्लड फ्लो, आपका जो एब्डोमिनल मसल्स हैं वो टोन होती हैं, स्ट्रेच होती हैं। जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीज होती है, तो उन्हें ये उनके लिए बहुत अच्छा है। और इंटेस्टाइन फंक्शन के लिए बहुत अच्छा है, इम्प्रूव करता है आपका इंटेस्टाइन फंक्शन। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो लोग कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, दिस आसन इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर देम। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं माला आसन गार्लैंड पोज। अपनी दोनों पैरों को शोल्डर के जितना ही खोलेंगे, दोनों हाथों को जॉइन करेंगे, अपनी बैक बिल्कुल बेंड नहीं करना है, बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह से बैठेंगे। इसी पोजीशन में कुछ देर होल्ड करेंगे। माला आसन करते टाइम यदि आप वार्म पानी पीना चाहें, थोड़ा सा गुनगुना पानी सुबह के समय, तो आप वह भी ले सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया इट इज़ वेरी गुड फॉर कॉन्स्टिपेशन। तो प्लीज़ इसे डेली करिए, सुबह उठते ही माला आसन ज़रूर करिए। मिलते हैं कल फिर एक और नए आसन के साथ। धन्यवाद।